हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रेडमी नोट 3 का डिस्प्ले जो ग्लास होता है हमारा, उसको कैसे हम रिमूव करें। ठीक है, तो मेरे पास देखिए रेडमी का फ़ोन है, जिसमें देखिए यहाँ पे टच का जो पत्ता होता है फ्रेंड, वो कटा हुआ है। तो अभी डिस्प्ले तो फ्रेंड वैसे ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टच का पत्ता जो है कटा हुआ है। तो अब इसके लिए हमें पहले डिस्प्ले को रिमूव करेंगे कि बाद में हम इसमें इसका जो ग्लास है टच आती है अलग से, वो इसमें हम लगा सकें। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस फ़ोन में इस किस डिस्प्ले को कैसे हम फ़ोन से डिस्प्ले को कैसे ग्लास से अलग करें। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी स्टेप है फ्रेंड, कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये डिस्प्ले टूटती भी नहीं कहीं से। तो देखिए अभी मेरे सामने आपके साथ दिखाता हूँ। तो ये फ़ोन डिस्प्ले बिल्कुल सही है, ओके है, टच तो फिलहाल भी काम नहीं करेगी क्योंकि टच का कनेक्टर कटा हुआ है। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको सेट किया हुआ था, तो इस तरह से मैं इसको निकाल के अब जो हमारी मशीन है, स्टेप कटर मशीन जो है हमारी ग्लास वाली, उस पर रखूँगा। इससे पहले भी फ्रेंड मैंने वीडियो ग्लास रिमूव के दिखा रखे हैं आपको, तो मैं आपको इसमें आज कुछ नया दिखाऊँगा कि रेडमी नोट 3, रेडमी नोट 4 हो या कोई भी फ़ोन हो, तो उसका ग्लास आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हो। जो चाइनीज़ के फ़ोन आते हैं आजकल, ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स, लावा, ये सब फ़ोन जो भी हैं, आप उनको कैसे ग्लास को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड इसकी डिस्प्ले वैसे ही ओके है, तो मैं इसको ना निकाल के ग्लास को लुक अलग करके बाद में कभी जब हमारे पे जो काम आएगा, तो ओरिजिनल डिस्प्ले के जब ओरिजिनल डिस्प्ले हमारी ये है, इसके ऊपर ग्लास लगा देंगे और ओरिजिनल रेट पे इसको हम कस्टमर को बेच देंगे। ठीक है, जिससे कि हमें फ़ायदा, वरना अगर फ्रेंड डिस्प्ले अगर टूटी हुई तो बात अलग थी, लेकिन डिस्प्ले सही है तो इसलिए हम ठीक ठाक निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है फ्रेंड, आपको जो तार होती है हमारी ग्लास रिमूव वाली, उसको आपको यहाँ से नीचे से जो दबाना है, नीचे की तरफ दबा के इसको धीरे धीरे ऊपर करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे घिसते रहिए, लेकिन आपको दबाव जो है तार का नीचे रखना है, मशीन पर नीचे जो साइड में एंगल लगे हुए सिल्वर कलर के, उन्हीं के ऊपर घिसना है आपको। तो धीरे धीरे घिसते घिसते आप उसको ऊपर ले जाइए, बिल्कुल भी आप जो तार हमारे लोहे वाली इसको ऊपर मत करना, क्योंकि डिस्प्ले होती डिस्प्ले पे अगर करोगे तो डिस्प्ले ब्रेक हो जाएगी। या बिल्कुल सीधा मत करना, सीधा सीधा मारते जाओ ऐसा भी नहीं है, आप बस नीचे की तरफ पुश करना और इसको अलग कर देना। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह से इसको अलग करना है। तो फ्रेंड आप मेरी वीडियो पूरा देखिए, वैसे मैंने थोड़ा बहुत फॉरवर्ड किया हुआ है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखिए अभी तो फिलहाल सब कुछ सही निकल रही है, तो आपके सामने फ्रेंड ये पूरी ओके डिस्प्ले निकाल रहा हूँ। तो आपको धीरे धीरे ऊपर नीचे करनी है, आपको ऊपर नीचे करते रहिए, फिर अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से निकल गई आधी, अब मैं उसको ऊपर करूँगा नीचे करूँगा तो अपने आप ही ऊपर डिस्प्ले आ जाएगी। तो इसको इस तरह से आपको ऊपर निकाल देनी है। तो डिस्प्ले देखिए हमारी ऊपर निकल गई आराम से, कुछ नहीं करना है बस आपको फ्रेंड, बस घिसना ये नीचे की तरफ दबा मार के। अभी जब तक फ्रेंड डिस्प्ले गर्म है तो उसका ग्लू जो है कि साफ़ कर लेते हैं। जब तक फ्रेंड डिस्प्ले गर्म रहेगी तो उसका ग्लू भी जो है कि साफ़ हो जाएगा। तो देख सकते हो उसका ग्लू जो है कि ये साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, क्योंकि ये फ्रेंड गम इसलिए जल्दी साफ़ हो रही है क्योंकि अभी डिस्प्ले गर्म है, तो गर्म में क्या होता है आपको पता है, गर्म करने पर ग्लू जल्दी निकलता है, इसलिए डिस्प्ले गर्म है, इसलिए ग्लू जब तक गर्म है जब तक ग्लू सही से निकल जाएगा। जहाँ डिस्प्ले ठंडी हो जाएगी तो गम बिल्कुल टाइट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ डिस्प्ले ठंडी हो जाती है तो आप बिल्कुल दबाव मत डालना, वरना डिस्प्ले ब्रेक हो सकती है, इसलिए जब तक गर्म है तब तक ही आप ट्राई करना। तो आप देख सकते हो जब तक ये गर्म है मैंने जितनी हो सके मैंने निकाल दी है, मैं कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगा, जहाँ तक मेरे हो सके मैं उतना ही निकालूँगा, उसके बाद अपना क्लीन करेंगे। देखिए ऑलरेडी मैंने ये निकाल दी है जितनी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड जरूरी आप सारी डिस्प्ले पे ऐसा मत करना, जैसे कि आईफोन की डिस्प्ले हो गई, सैमसंग की डिस्प्ले हो गई, इन पे आप ऐसे बिल्कुल मत ट्राई करना, कि ये जो जिस तरह मैंने ट्राई किया है हाथ से निकालने वाला, ये वीवो, ओप्पो, माइक्रोमैक्स, जियोनी, ये MI, इन सब डिस्प्ले पे ही कर सकते हो, क्योंकि ये डिस्प्ले थोड़ी मजबूत होती हैं, इसलिए आप इस पर हाथ से क्लीन कर सकते हो। ठीक है, और ना आईफोन सैमसंग की डिस्प्ले जो होती हैं बड़ी पतली होती हैं, उस पर आप हाथ से क्लीन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के लिए आपको फोम और ग्लू काटने वाली जो हमारी क्लीनर होता है इसको ले लेंगे, इससे आपको कपड़े से क्लीन करना है। ठीक है, पहले मैं इसको हाथ से क्लीन करूँगा। इससे पहले फ्रेंड वीडियो मैंने बनाई थी आपको iPhone 5S की, उसमें मैंने दिखाया था आपको कैसे क्लीन करना है,
नहीं तो वरना वो भी हाथ से क्लीन होती है, लेकिन वो हाथ से क्लीन नहीं होती, वो पतली होती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड आपको क्लीन करना है। तो मैं आपको फिर बता दूँ फ्रेंड कि आपको सैमसंग और आईफोन पे हाथों से बिल्कुल क्लीनिंग नहीं करनी है। क्लीनिंग जो भी करनी है आपको, आप इस तरह से क्लीनिंग करना है। देखिए, हाथ से फेर के हल्का हल्का इसके ऊपर लगाइए, उसके बाद इसको मतलब आप क्लीन करिए। ठीक है, तो आप करते रहिए और मेरी वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह मैंने क्लीनिंग करी है और आप क्लीनिंग कैसे कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, तो मैं क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको गम डालते रहना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखा मैंने, तो फ्रेंड मैंने ये वीडियो थोड़ी फॉरवर्ड कर दी क्योंकि इसमें टाइम लगता है ग्लो काटने में, तो मैंने वीडियो फॉरवर्ड कर दी है ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग फील ना हो। ठीक है, तो मैंने इसको क्लीन कर दिया। तो अब बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बाकी क्लीन करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको धीरे धीरे आपको क्लीन करनी है। देखिए, मैं चारों तरफ से आप जैसा आपको एंगल पसंद आए, जहाँ से आप लगे कि आपको आसानी हो रही है, आप उस एंगल पर दाएँ बाएँ करके डिस्प्ले को करके आप इनको रिमूव करिए गम को। ठीक है, देखिए दाएँ बाएँ जो भी हो डिस्प्ले को, गम जो होता है हमारा, उसको आप कहीं भी करके रिमूव करिए। तो देख सकते हो फ्रेंड, जो भी सारी गम थी वो अलग कर रहा हूँ, ये अलग हो गई है, जहाँ तक हो सके मैंने अलग कर दी है। तो देख सकते हो, तो आपको देख सकते हो फ्रेंड किस तरह मैं इसको अलग कर रहा हूँ। एक तरफ से डिस्प्ले पकड़ी हुई है किसी हिसाब से, ताकि डिस्प्ले पे कोई जोर ना पड़े। ठीक है, और बीच से मैं एक हाथ से अंगूठे से इसको निकाल रहा हूँ। तो आपको जहाँ से मर्जी अच्छा लगे वहाँ से आप इसको दबाव डालिए, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना। तो देखिए, एक तरफ तो सर मैंने इसे साफ कर दिया है, दूसरी बार हम इसे कपड़ों से क्लीन करेंगे। पहले ये सारी गम हटा देते हैं, क्योंकि मेन गम तो फ्रेंड यही है, इसी को हटाएंगे, बाकी सब तो बाद में आसान हो जाएगा। देखिए, ये ग्लू जितनी भी थी सारी मैंने निकाल दी है। तो आपको जोर बिल्कुल नहीं लगाना फ्रेंड, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से लगाना है। ठीक है, तो इसको इसके बाद फ्रेंड हम चेक भी कर लेंगे डिस्प्ले, एक बार ग्लू हटा के इसको चेक कर लेंगे कि डिस्प्ले हमारी प्रॉपर ओके निकली है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस पूरी ग्लू गम जो भी थी सब अलग कर ली है। तो अब मैं इस डिस्प्ले को चेक करूँगा फ़ोन के अंदर लगा के, ठीक है, कि ये ओके है या नहीं। देखते रहिए आप वीडियो। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, मैंने पूरी डिस्प्ले को क्लीन कर लिया है, साफ कर लिया है। तो अब चलते हैं आगे, मतलब हम चेक करते हैं डिस्प्ले को, डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं इस तरह के इसको कनेक्ट कर देता हूँ पत्ते को, उसके बाद हम इसके ऊपर बैटरी लगा देंगे, बैटरी से हम इसको चेक करेंगे डिस्प्ले हमारी ऑन है या नहीं, क्योंकि हमने चेक नहीं करी ग्लास के वक्त, जब हम ग्लास निकाला डिस्प्ले चेक नहीं करी थी। ठीक है, पावर बटन को प्रेस करते हैं, देखते हैं कि ऑन है या नहीं। ठीक है, तो देखिए अभी फिलहाल डिस्प्ले ऑन है हमारी, तो उसको ऑन होने देते हैं। तो देखा फ्रेंड किस तरह से मैंने डिस्प्ले की ग्लू को साफ किया। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह मैंने डिस्प्ले को पूरी क्लीन की। चेक कर लिया, देखिए अब इसको ऑन होने देते हैं, वेट कर लेंगे इसका जब तक ये ऑन हो रहा है। तो इसी के साथ हम इसको ऑन कर चेक कर लेंगे, जैसे पहले थी डिस्प्ले हमारी वैसे ही अभी भी है फ्रेंड, फिर भी चेक कर लेंगे कि कोई दाग धब्बा ना आ गया हो, लाइनिंग ना आ गई हो, क्योंकि ब्लैक पन पे कुछ दिखता नहीं है ज़्यादातर। तो देखिए, तो फ्रेंड जिस तरह डिस्प्ले पहले थी उस तरह अभी है, कोई भी डार्क स्पॉट नहीं आया, ना कोई लाइनिंग आई है, बिल्कुल डिस्प्ले हमारी ओके है। तो देखा फ्रेंड मैंने किस तरह से, मतलब हमने Redmi Note 3 का डिस्प्ले को कैसे रिमूव किया, ग्लास जो होता है कैसे रिमूव किया। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्लीन करेंगे कि किस तरह आपको क्लीन करना। ठीक है, तो क्लीन तो हमने वैसे हाथों से कर दिया, जितनी गम थी हमने उतार दी। तो अब इसको कपड़े से क्लीन करेंगे, कपड़े से कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो पहले देखिए, मैं कैमरा पहले सेट कर देता हूँ। फ्रेंड मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ग्लास रिमूव करने के बारे में बताया और क्लीनिंग के बारे में बताया है, क्योंकि मैं इसको जो ग्लास लगाना है ये कभी बाद में लगाएंगे जब हमारे पे काम आएगा, फिलहाल अभी तो नहीं है। तो
तो मैं इसको अलग कर देता, क्योंकि फ्रेंड कहीं डिस्प्ले पड़े पड़े कहीं टूट ना जाए, कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं इसको अलग से निकाल के सेफली रख दूंगा, जिससे कि बाद में हमारे काम आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो ये यहाँ से वहाँ डिस्प्ले हो जाती हैं तो फिर पता नहीं लगता। तो चलिए अब इसको हम क्लीन करते हैं, क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको कपड़ा लेना है, ग्लू क्लीनर लेना है, थिनर लेना है, ठीक है। इनसे आपको कुछ देर तक आपको क्लीनिंग करनी है, जब तक बिल्कुल चमक ना आ जाए तब तक आपको क्लीनिंग करते रहनी है, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्लीनिंग करनी है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से मैंने जो हमारा ग्लू काटने वाला क्लीनर होता है, क्लीनर से तो काट दिया है, वो काट दिया, सॉरी इसको काट रहे हैं, जो भी गम हमारी होती है साफ़ कर रहे हैं। तो इस तरह आपको फ्रेंड पूरी ग्लू साफ़ करनी है कि जब तक साफ ना हो जाए, बिल्कुल चमक ना आ जाए कपड़े का, इसमें डिस्प्ले के अंदर, तो कपड़ा आपको मारते ही रहना है। तो देखिए मैं बिल्कुल ही आराम आराम से मार रहा हूँ। अगर फ्रेंड इसमें कुछ ज़्यादा जोर भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले मोटी होती हैं, टूटती नहीं है, ठीक है। तो इनमें ज़रा ज़बरदस्ती मत करना, लेकिन कर सकते हो, लेकिन कुछ नहीं होता। तो इसे आराम से करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए इस काम में, ठीक है। जब तक हमें कपड़ा मारेंगे तो तब तक कुछ ना कुछ ग्लू इसमें दिखाई देगी कि हाँ यहाँ ग्लू रह गया है, क्योंकि दिख नहीं रही है ऐसे, लेकिन बहुत ग्लू लगी होती है। जब तक अच्छे से बिल्कुल ही चमक ना आ जाए, एक डॉट तक ना रह जाए ग्लू का, तब तक आप साफ़ करते रहिए। तो जब तक देखिए फ्रेंड मैं इस क्लीनिंग के वक्त में कोई भी पूरी वीडियो फॉरवर्ड नहीं कर रहा, बिल्कुल साफ दिखा रहा हूँ आपको, कहीं से मैंने फॉरवर्ड नहीं करी है, बिल्कुल ही दिखा रहा हूँ कि कैसे क्लीनिंग करनी है और कितना वक्त लगता है क्लीनिंग करने में और क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो जो मैं फ्रेंड जो क्लीनर डाल रहा हूँ, ये हमारा ग्लू काटने वाला है, इसी को मैं डाल के ऊपर से कपड़ा मार के इसको साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो आप फ्रेंड बिल्कुल ही साफ़ कर रहा हूँ। इसके बाद अभी ग्लू के बाद मैं इसमें थिनर से इसको साफ़ करूँगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड अब मैं इसमें थिनर, जो हमारा थिनर होता है जिससे हम मदरबोर्ड वगैरह साफ़ करते हैं, और उससे उसको साफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं उससे क्लीनर से साफ़ कर रहा हूँ उसको। अभी भी फ्रेंड इसमें गम लगा हुआ है, ग्लू लगी हुई है, अभी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले इसको साफ़ कर लूँगा, जिससे कि बाद में हमको जितनी ग्लू सब दिखाई दे जाए। तो इसमें हमको ग्लू दिखाई दे रही है, क्योंकि फ्रेंड उस जब हमने क्लीनर मारा था उस टाइम तो हमें ग्लू दिख नहीं रही थी, लेकिन अब ग्लू साफ दिख रही है। तो फिर मैं इसको फिर से इसको क्लीनर मार लूँगा, जब हमारा क्लीनर होता है। तो ठीक है, इस तरह से क्लीनर मार लिया, क्लीनर से जब हमारा ग्लू काटते हैं अब उससे क्लीन कर दूँगा। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि कितना वक्त लगता है ये ग्लास काटने में, क्लीन करने में, या कैसे ग्लू निकाली जाती है। तो आपको दिख रहा होगा कि अभी भी इसमें कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं साफ़ करने के, तो आपको ये पूरे ही साफ़ करने हैं। आपको दिख रहा होगा कि जहाँ तक कपड़ा मार रहा हूँ वहाँ वहाँ निशान बन रहे हैं, डॉट स्पॉट बन रहे हैं कपड़े के, तो उन सबको बिल्कुल ही चमका देना है, कहीं से भी डॉट स्पॉट नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो फ्रेंड ये चमक आती है तो अलग अलग तरह के इनके क्लीनर भी आते हैं, इनके मतलब चीज़ें आती हैं, कपड़े भी आते हैं, उन सब से इन सब डिस्प्ले को चमकाया जाता है। तो देखिए बिल्कुल ही साफ़ हो रहा है, यहाँ से आपको चमक बिल्कुल जो चमक आ रही है, जो भी डॉट स्पॉट थे धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आप फ्रेंड बिल्कुल जो पहले देखिए मुझे ये क्लीनर है जिसे हम बोर्ड साफ़ करते हैं, मदरबोर्ड वगैरह, मैं उसी से ही ग्लास साफ़ कर रहा हूँ, ये डिस्प्ले, इसे कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो देख सकते हो आप फ्रेंड बिल्कुल ही क्लीन हो जा रहा है। देखा फ्रेंड किस तरह से हमने आज आई इसकी जो हमारी रेडमी नोट 4 की डिस्प्ले थी उसका जो तटपत्ता हमारा कटा हुआ था उससे हमने ग्लास को रिमूव किया, किस तरह ग्लास रिमूव किया, किस तरह हमने क्लीन किया, किस तरह हमने मतलब सारी बातें समझी कैसे क्या करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्योंकि फ्रेंड अब ये जो डिस्प्ले मैंने क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया, सब कुछ निकाल के अलग कर दिया, इससे क्या होगा फ्रेंड अगर कल को परसों काम आता है तो हम इसके ऊपर ग्लास लगा के इसको भेज देंगे, जैसे कि ओरिजिनल के ओरिजिनल है, बाकी कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे फेंक देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा नुकसान होगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए अब ये कहीं से भी डॉट स्पॉट नज़र नहीं आ रहे हैं, डिस्प्ले हमारी बिल्कुल ही क्लीन हो गई है। तो देख सकते हो आप फ्रेंड बिल्कुल ही डिस्प्ले हमारी क्लीन हो गई है, कहीं से भी कोई डॉट स्पॉट नहीं है, कहीं से कोई गम नहीं है, बिल्कुल ही साफ़ हो गई है। तो अब इसको देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको चेक कर लूँगा,
फ़ोन में लगा के कि हमारी ये ओके डिस्प्ले है या नहीं। अब ये फाइनली ओके हो चुकी है हमारी। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले कनेक्टर को लगा दूंगा, डिस्प्ले कनेक्टर को फिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बैटरी रख देंगे, टच तो काम करेगी नहीं, ठीक है। तो मैं इसके डिस्प्ले की बैटरी इस पर बैटरी देता हूँ, बैटरी की बैंड आपको ध्यान से लगाना है, कोई भी दाएँ बाएँ ना हो वरना बैटरी कनेक्टर टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको लगा दिया, अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। पावर बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारा ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड आप कोई भी MI की, वीवो, ओप्पो, रेडमी, जियोनी, इन सब की डिस्प्ले को आसानी से रिमूव कर सकते हो और क्लीन करके साफ़ कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि फ्रेंड यही मेन स्टेप होता है कि आपको बस डिस्प्ले क्लीन हो करना आ गया तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड मेन काम जो इसमें है क्लीनिंग का ही होता है। डिस्प्ले निकालना तो ग्लास से बड़ा आसान है, घिस के निकाल लोगे, लेकिन बाद का तो स्टेप होता है क्लीनिंग का। क्लीनिंग में क्या होता है, हल्का सा दबाव भी डिस्प्ले को तोड़ सकता है, इसलिए आपको क्लीनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए, आप नॉर्मली काम ये कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको अलग अलग इन सब की चीज़ें लेनी हो, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ही साफ़ है, कहीं से चमक नहीं है, इसमें मेरा फ़ोन भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए बिल्कुल ही सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। अब ये दूसरा इसके ऊपर टच लगने लायक बन चुकी है, ठीक है। तो हम इस पर कभी काम आएगा तो मैं इस पर डिस्प्ले लगा दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही साफ़ है, कहीं से कोई भी निशान नहीं है, ठीक है। तो देखा फ्रेंड हमने किस तरह से रेडमी नोट 3 का डिस्प्ले का ग्लास जो है कि रिमूव किया और हमने डिस्प्ले को परफेक्ट ओके कर लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, क्या आपको सीखने को मिला, आप मुझे सब बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं इस डिस्प्ले को निकाल के मैं इसको पैक कर देता हूँ, डिस्प्ले को तब कैसे रखूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको रख के मैं एक जो बबल पैड हमारा बबल पैड की जो फॉर्म आती है उसमें रख दूँगा इसको, ये फॉर्म है इसमें इसको पैक कर दूँगा, ठीक है। अभी हमारी डिस्प्ले सेफ रहेगी। फ्रेंड आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको फ़ोन पे वीडियोस बना बना के दिखाता रहूँगा और आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा। Thank you.